नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव, आप देख रहे हैं संजीव टेक्नोलॉजी। चलिए आज आपको मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग दिखाता हूँ। ये रहा हमारा गोपालगंज का खूबसूरत नज़ारा। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी लाइव वीडियो चल रही है। यहाँ पे आप अभी पोस्ट ऑफिस चौक है, यहाँ तीन मुहानी जिसे बोला जाता है। आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं और आइए आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ से हम निकलेंगे हनुमान मंदिर, जो कि गोपालगंज के कुनवा मोड़ से बाईं तरफ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम चल दिए हैं हनुमान मंदिर। यहाँ की हनुमान जी की मूर्ति यानी हनुमान जी की प्रतिमा 54 फीट ऊंची बनाई गई है। ये गोपालगंज ज़िले के कुनवा मोड़ से बाईं तरफ माधव मठ गांव में स्थित है। और यहां से हम निकल रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब हम पोस्ट ऑफिस चौक से यहां बंजारी पहुंच गए हैं। यहां से अब हमारा NH स्टार्ट होता है। यहां से हम डायरेक्ट बाईं तरफ घूमेंगे। यहां जो ब्रिज है, ब्रिज के बाईं तरफ से हम यहां से निकलेंगे। और आप यहां NH 28 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ का भी आप नज़ारा एक बार देख सकते हैं। इस नज़ारे को देखते हुए आपको बेहद ही खूबसूरती महसूस होती होगी। और आप यहाँ गोपालगंज से निकल चुके हैं, गोपालगंज से आप अब कुनवा मोड़ पे आने वाले हैं। भोजपुरी सुपरस्टार राजेश श्याम रथिया का ये मार्केट बताया जाता है। ये रहा आपका कुनवा मोड़ और यहाँ से आपको फिर ले चलते हैं हनुमान मंदिर की तरफ से, जहाँ बताई जाती है गोपालगंज जिले में सबसे बड़ी हनुमान मंदिर। और दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से 54 फीट वाले हनुमान मंदिर की ओर जाता है। हनुमान मंदिर की तरफ देख जाने के लिए ये वही रास्ता है जहाँ से आप निकलेंगे। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। अब बस कुछ ही मिनटों में आप बस पहुंच जाएंगे यहाँ हनुमान मंदिर, जहाँ पे आप राम जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हम पहुंच चुके हैं अब माधव मठ गाँव में। माधव मठ गाँव के बाद आपको एक रेलवे ढाला पड़ेगा, उसके जस्ट बगल में ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अब पहुंचने वाले ही हैं हम। आपको गाँव का नज़ारा देख के बेहद ही खूबसूरती महसूस होती होगी। और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब बाएं तरफ चलेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, अब हम पहुँच चुके हैं उस 54 फीट वाले हनुमान मूर्ति के पास। दोस्तों चलिए आज आपको दिखाते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर, जो कि गोपालगंज जिले में स्थित माधव मठ गाँव में है, आप उस मंदिर का जो हनुमान का मूर्ति है वो आपको दर्शन कराते हैं, जो कि 54 फुट बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा 54 फीट हनुमान मंदिर का जो हनुमान मूर्ति है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आपको उस मूर्ति के पास ले चलते हैं और वहाँ से नीचे का नज़ारा हम दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ हनुमान जी का यहाँ पे पांव है और यहाँ पूरा शरीर। यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चारों तरफ हरियाली देखने के लिए। ये रहा हनुमान जी का पांव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। बहुत लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, बहुत लोगों की यहाँ पे कुछ अर्जी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ से हम निकलेंगे, आपको राम जानकी मंदिर का दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप एक बार नीचे से नज़ारा देख सकते हैं। ये 54 फीट बनी पत्थर और मटेरियल से बनी ये हनुमान जी की मूर्ति यानी प्रतिमा। बाबा जी से बात करते हैं, जो कि यहाँ के पुजारी हैं। बाबा जी आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा शुभ नाम है श्री योगेंद्र पांडे जी।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे श्रद्धालु आते हैं और ये जो मूर्ति जो बना वो आपका कितना फीट का होता है? ये 2007 में हनुमान जी का निर्माण शुरू हुआ जी। 2014 में तैयार हुए जी। शंकर जी और हनुमान जी दोनों का जग 2014 में हुआ जी। और दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं और बहुत लोगों की मान्यता पूरी होती है, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं। बीमारी के वजह से कुछ लोग भक्तों को आना कम हो गया है। अच्छा, अभी जो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के वजह से वो अभी हाँ, नहीं पहुँच पाते। हाँ, कुछ लोग कम आ रहे हैं उसमें, आते हैं लेकिन कम लोग आते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मूर्ति बना हनुमान जी का, ये कितने फीट का बना हुआ है? ये 54 फीट का मूर्ति है। ये 54 फीट का है। हाँ। अच्छा, ये किस चीज से बना हुआ है, थोड़ा आप इसे बता सकते हैं? ये पत्थर और मटेरियल लगाया गया उसमें, जो सीमेंट सीमेंट। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो जग हुआ वो कब हुआ था? 2014 में जग हुआ था हनुमान जी का, शंकर जी का। अच्छा, और 2018 में जग हुआ था राम जानकी मंदिर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा जी हमारे जो यहाँ के पुजारी हैं उनके ये हनुमान मंदिर के बारे में इतना कुछ बताएं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि गोपालगंज ज़िला में ये 54 फीट की मूर्ति जो कि यहाँ पे हनुमान जी की बनी हुई है माधो मठ में। तो दोस्तों, ये रही आपकी आंखों के सामने हनुमान जी की प्रतिमा, यानी हनुमान जी की मूर्ति, वो भी 54 फीट की बनी हुई है। इस मूर्ति को देखने के लिए श्रद्धालु बहुत बहुत दूरों से आते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगने के लिए भी आते हैं। और मैं यह चाहता हूं कि आप एक बार फिर ज़रूर आएं इस जगह पे। तो दोस्तों, यहां हनुमान जी की प्रतिमा के देखने के बाद आप यहां पे आइए, आपको राम जानकी मंदिर दिखाते हैं जहां आपको हर एक देवी देवता का फ़ोटो मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है यहाँ के पुजारी जी और आपको यहाँ पे शानदार नज़ारा दिखाते हैं। ये रहा यहाँ का शानदार नज़ारा, इधर आइए, आपको ये फर्स्ट से यहाँ पे दिखाते हैं। ये रहा कृष्ण जी का यहाँ पे प्रतिमा, उसके बाद यहाँ पे राधा जी का है, फिर यहाँ पे सरस्वती जी का है, उसके बाद यहाँ पे खाटू श्याम पालने में झूल रहे हैं। उसके बाद आइए आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं जो कि यहाँ श्री राम जी का है और यही है सीता जी का, राम जानकी मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं लक्ष्मी जी का और गणेश जी का। यहाँ पे आपको शानदार नज़ारा देखने के लिए आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए और यहाँ का नज़ारा एक बार और देख सकते हैं, कितना शानदार नज़ारा है। आप ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियों को दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य आए यहाँ पे। और मेरे चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें।